नमस्ते, मैं अर्चना आरते अल्ट्रा कुकरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की अपनी रेसिपी है शुगर फ्री इंस्टेंट खजूर रोल। शुरुआत करते हैं। 150 ग्राम ब्लैक खजूर लिया है और 2 टेबलस्पून है बादाम और पिस्ता फाइनली चॉप किया हुआ और 1/2 टीस्पून देसी घी। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो खजूर है इसके सीड्स निकाले हैं, ये हम प्लेट में ले लेते हैं। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। खजूर 2-3 टाइप्स के होते हैं। एक तो एकदम हार्ड रहता है और एक जो खजूर है वो एकदम गीला वाला रहता है थोड़ा सा, तो वो नहीं लेना है हमें, बीच वाला लेना है और थोड़ा सा सॉफ्ट और ब्लैक लेना है। इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा घी लगाना है इसको ताकि ये चिपके ना। अपना डो रेडी हो गया, एकदम इंस्टेंट रेसिपी है अपनी। अब क्या करेंगे हम, इसको रोल करेंगे। अभी इसको डेकोरेशन के लिए हम थोड़ा सा कटा हुआ बादाम पिस्ता है वो ऐसे फैला देते हैं यहाँ पर और इसे अच्छी तरह से रोल कर लेते हैं, दिखने में भी अच्छा लगता है। आपने देखा ना ये कितनी जल्दी बन जाती है रेसिपी, एकदम इंस्टेंट है और इसमें मैंने शुगर नहीं डाला है, ये शुगर फ्री रेसिपी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नाइफ लिया है उसको थोड़ा सा घी लगा देते हैं ताकि कटिंग करते वक्त हमें आसानी हो जाती है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह से रोल कट करके हो चुका है, अब हम इसमें अरेंज करते हैं। इंस्टेंट खजूर रोल तैयार है, आप इसे बनाइए, हमें कमेंट्स में कहिए। आज मैं आपको एक सिंपल सी रेसिपी बताने वाली हूँ और वो भी स्वीट डिश है, उसका नाम है पेड़ा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पेड़ा बनाने के लिए लगने वाले सामग्री है 2 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप दूध, 1/2 कप चीनी, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और पिस्ता गार्निशिंग के लिए 1 टेबलस्पून देसी घी। गैस ऑन कर देते हैं, दूध डाल देते हैं, 1/2 कप दूध लिया है यहाँ पर वो डाल देते हैं और इसमें जाएगी 1/2 कप चीनी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, चीनी को पिघलने देना है, अच्छी तरह से होने देना है इसको। अब जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी। घी को अच्छी तरह से पिघलने देना है और घी पिघलने के बाद इसमें जाएगा मिल्क पाउडर, आप इसे मिल्क पाउडर का पेड़ा भी बोल सकते हैं। अब इसमें जाएगा 2 कप मिल्क पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, डो बनने तक इसको मिक्स करना है। देखिए इसका अच्छा सा डो बन चुका है। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और उसको अच्छी तरह से ठंडा होने देना है, तब तक हमें राह देखनी है।
अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा घी लगा देते हैं, हल्का सा, ताकि ये हाथ को चिपके ना। और इलायची पाउडर डाल देते हैं आधा टीस्पून। और इसको अच्छी तरह से अभी मिक्स कर देते हैं। अब इसकी छोटी छोटी लोही बना देते हैं। इसी तरह से हमने छोटे छोटे लोही, छोटे छोटे बॉल्स बना दिए। अब इसको हम राउंड बना देते हैं और छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। आपको अगर बड़ा पेड़ा चाहिए तो आप बना सकते हैं बड़ा। इसी तरह से सारे पेड़े हम बना देते हैं। इस प्रकार हमारे सारे पेड़े तैयार है। अब पेड़े अच्छी तरह से लगा लेते हैं प्लेट में और उसके ऊपर फिर पिस्ता हम लगा देते हैं। पहले पेड़ा रख देते हैं। अब इसके ऊपर पिस्ता रख देते हैं। अपने पेड़े यानी कि मिल्क पाउडर के पेड़े तैयार है। आपने देखा ना, कम इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरह से मिल्क पाउडर के पेड़े बनते हैं। तो आप इसे बनाइए, हमें कमेंट्स में कहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए।